चैनल कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। सो गाइज, वी ऑल नो कि अभी लाइक कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का कितना ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है एंड उसमें सबसे ज़्यादा धूम मचाई हुई है एक प्रोडक्ट ने, एंड दैट वन इज़ दिस वन। आई थिंक मुझे आप लोगों को इसको इंट्रोड्यूस करवाने की भी जरूरत नहीं होगी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। एंड दैट वन इज़ द एडवांस नेल 96 म्यूसियन पावर एसेंस। सो बेसिकली इससे रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी और मेरा भी काफ़ी टाइम से मन था कि मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ करूँ और अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा वीडियोज़ है, इतना अच्छा बताया हुआ है इस प्रोडक्ट को, तो यार मतलब कोई भी रह नहीं सकता है इसको यूज करे बिना। सो यस, फाइनली मुझे इसको यूज करते हुए आई थिंक 2 से 3 महीने हो चुके हैं एंड अभी मुझे लगा कि अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। सो या मेक श्योर कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, तो लाइक कीजिएगा जरूर से। एंड मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, इट मीन्स अ लॉट टू मी गाइस। सो या विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली अभी बात करते हैं कि किस तरह से बना है। सो स्नेल म्यूसियन बना है स्नेल के म्यूकस से। सो स्नेल को एक क्वाइट डार्क रूम में छोड़ दिया जाता है एंड स्नेल जब उसमें अपना म्यूकस सीक्रेट करता है उसके बाद बनता है ये स्नेल म्यूसियन। तो ये जो पर्टिकुलर ब्रांड है ये क्लेम कर रहा है कि जब हम इस प्रोडक्ट को बना रहे थे तो इसमें किसी भी तरह से हमने स्नेल को हानि नहीं पहुंचाई है, जस्ट उनको एक डार्क रूम में छोड़ दिया गया था एंड उसके बाद जैसे ही वो अपना म्यूकस सीक्रेट करते हैं उसको लेके ये वाला म्यूसियन क्रिएट किया जाता है। सो इसमें बेसिकली सीरम्स भी बनते हैं, क्रीम्स भी बनती है। सो मेरे पास फिलहाल मैं यूज कर रही थी सीरम और इसकी क्रीम भी मैंने मंगाई है। इसको मैं अभी थोड़ा सा और यूज करके इसका भी रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो यस, बेसिकली बात करते हैं इसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इसके अंदर जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है दैट वन इज स्नेल म्यूसियन फिल्ट्रेट, जो कि 96.3% है। बाकी इसके अंदर पेप्टाइड्स है, हाइलुरोनिक एसिड है, कॉपर पेप्टाइड्स है, एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स है। ये जितने भी इंग्रेडिएंट है वो हमारी स्किन के लिए काफी अच्छे हैं। इनफैक्ट स्किन की हाइड्रेशन के लिए, स्किन की इलास्टिसिटी के लिए, अगर आपकी स्किन ड्राई हो गई है, पैचेस आना स्टार्ट हो गए हैं या आपकी स्किन पे रिंकल्स एंड फाइन लाइंस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, उसके लिए काफी अच्छा प्रोडक्ट है। लाइक स्किन के बैरियर को रिपेयर करता है, स्किन अगर डैमेज हो गई है उसको रिपेयर करता है। इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड है। वी ऑल नो कि हाइलुरोनिक एसिड एक तरह के ह्यूमेक्टेंट की तरह काम करता है, जो आपकी स्किन के वाटर लेवल को लॉस नहीं होने देता है, स्किन के अंदर लाइक अच्छे से हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, पीएच लेवल मेंटेन करके चलता है। अभी बात करते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। तो आप देख सकते हो वैसे तो मेरी बॉटल पूरी एम्प्टी हो चुकी है। सो यस, यू कैन सी लाइक एकदम जेल टाइप की इसकी कंसिस्टेंसी आती है। इसका जो टेक्सचर है काफी ज्यादा स्मूथ है, काफी ज्यादा सॉफ्ट है। सो हर तरह की स्किन के लिए, अगर आपकी ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। यस, अगर आपको प्रोटीन से एलर्जी है, जो कि काफी ज्यादा कॉमन है, काफी लोगों को प्रोटीन से एलर्जी होती है, क्योंकि स्नेल का जो म्यूसियन है ये एक तरह का प्रोटीन होता है, तो अगर आपकी स्किन पे आपको प्रोटीन से एलर्जी है फिर आप इसको यूज मत कीजिए। यस, अगर आप पहली बार इस तरह का कोई प्रोटीन टाइप का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो मेक श्योर कि अपने आर्म्स पे इसको 2 से 3 दिन लगा के देखिए। अगर आपको कोई भी रेड पैचेस नहीं हो रहे हैं या इचिंग नहीं हो रही है तो आप इसको कंटिन्यू अपने फेस पे लगाइए, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो। एक प्रॉब्लम मुझे इसकी लगी कि अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, आपको पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, जो कि हमारी इंडियन के लिए काफी ज्यादा कॉमन ये प्रॉब्लम्स है, तो इसके लिए ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। यस, अगर आपकी स्किन को आपको हाइड्रेशन चाहिए, स्किन का टेक्सचर अच्छा चाहिए, एक तरह से आपको लगता है कि स्किन आपकी हेल्थी लगनी चाहिए, रिंकल्स एंड फाइन लाइंस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, उसके लिए कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। बट अगर आप ये सोच के देख रहे हो कि यार मुझे एक्ने रिलेटेड प्रॉब्लम है, एक्ने स्कार्स है, पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, इसके लिए मैं इसको यूज करूं, तो नहीं, प्लीज इसके लिए आपको अदर प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ेंगे। ये जस्ट नॉर्मल आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, स्किन का टेक्सचर अच्छा लेके आएगा, इनके बैरियर को रिपेयर करेगा, दैट्स ऑल। सो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ मत मंगाइए। यस, अगर आपकी स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और उसको आप एज ए मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हो, सो आई एम डैम श्योर कि बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। सो यस, मैं फिर से इसको रीपर्चेज करने वाली हूँ, काफी अच्छा मुझे प्रोडक्ट लगा, मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ काफी अच्छा था, मेरे स्किन के टेक्सचर पे तो इसने बहुत अच्छा काम किया। सो यस, मैंने इसको अमेजोन से बाय किया है, अमेजोन का लिंक मैं आपको नीचे इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थोड़ा सा कॉस्टली है बट एक बार आप इसको बाय करोगे ना, अगर आप मॉर्निंग नाइट टाइम दोनों में भी यूज करते हो ना, तो भी इजीली आपका 2 से 3 महीना चल जाएगा। सो या, दैट्स ऑल अबाउट माय एक्सपीरियंस गाइस। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी कोई डाउट है, कमेंट है, तो आप कमेंट करके मुझे नीचे बता सकते हो, फॉर श्योर मैं आपको रिप्लाई करूंगी। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगेन एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।